दोस्तों कंटेंट अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें इसके लिए बेल आइकन दबाने के बाद ऑल पे जरूर क्लिक कर देना। तो दोस्तों कैसे हैं आप, मैं हूं एक सिंह और दोस्तों टेक्निकल एक्सपर्ट के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज है 22 तारीख, अगले 8-9 दिन में महीना खत्म हो जाएगा। अब इस महीने 2-3 स्मार्टफोन और आने वाले हैं, जैसे आईक्यू नियो 6 है, 31 को लॉन्च हो रहा है, बहुत 2-3 और हैं, ठीक है। इसके बाद आएगा जून का महीना, जून के महीने में कौन से स्मार्टफोन लॉन्च होंगे उन्हीं के बारे में बात करेंगे। 10 प्लस अपकमिंग स्मार्टफोन जो कि जून के मंथ में लॉन्च होने वाले। वैसे जून का महीना मैं कहूंगा कुछ ऐसे स्मार्टफोन रहेंगे जो तगड़े होंगे, लेकिन बहुत ज्यादा लॉन्चेस आपको देखने को इसमें नहीं मिलेगा। चलिए सीरियल वाइज जाएंगे, सैमसंग के बाद शाओमी, फिर ओप्पो, वीवो यानी बीबीके वाले, एंड आफ्टर दैट बाकी सारे, उन्हीं के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सैमसंग की। ये महीना सैमसंग का कोई स्मार्टफोन नहीं है, अगला महीना भी चांसेस बहुत कम है कि सैमसंग के कोई स्मार्टफोन लॉन्च हो। कहा जा रहा है ए सीरीज का ए 13 या ऐसे करके कोई जो मतलब 10,000 के आसपास के स्मार्टफोन है वो आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन बड़े लॉन्चेस में कोई भी लॉन्च नहीं दिख रहा है जून के मंथ में सैमसंग की तरफ से। लेट्स सी, देखते हैं क्या लेकर आते हैं। सैमसंग की तरफ से चांसेस कम है कि अगले महीने आपको ज्यादा लॉन्चेस देखने को मिले। दोस्तों बहुत स्ट्रेंज है 2 कंटिन्यूअस मंथ जाए ऐसे सैमसंग के जिसमें लॉन्चेस ना हो। इसके बाद बात करते हैं शाओमी की, जिसमें आता है शाओमी, रेडमी और पोको। अब शाओमी की तरफ से 2 स्मार्टफोन आपको देखने को मिल सकते हैं जून में। एक तो है शाओमी 12X, आपको मालूम है स्नैपड्रैगन 870 के ऊपर आता है, 120 हर्ट्ज का आपको एमोलेड का पैनल मिल जाता है, बाकी सारी चीजें। प्राइसिंग कही जा रही है इसकी 30,000 से 35,000 के बीच में होगी। ये स्मार्टफोन आपको देखने को मिल सकता है जून एंड के आसपास। और इसी के साथ कहा जा रहा है एक ही इवेंट में शाओमी 12 लाइट या शाओमी 12 लाइट NE5G, जो भी नाम हो उसका, आएगा वो भी। ये Xiaomi 11 Lite NE5G जो है ना, इसी को ही लेकर आ रहे हैं, मतलब डिजाइन चेंज रहेगा, वो Xiaomi 12 सीरीज है ना वैसी दिखेगी, एंड एक दो चीजें इंप्रूव की जाएंगी, एंड प्राइसिंग इसकी 25,000 से 30,000 के बीच में होगी। ये स्मार्टफोन भी आने वाला है, तो 2 स्मार्टफोन Xiaomi की तरफ से आने वाले हैं। Redmi की तरफ से तो इंडिया में कोई स्मार्टफोन शायद ना आए, लेकिन चाइना में Redmi के नाम से लॉन्च हुए स्मार्टफोन पॉसिबली आपको इंडिया में पोको के अंडर देखने को मिल सकते हैं, जैसे Redmi K40S, पोको F4 बन के आएगा। ये BIS पे लिस्ट हो गया, स्नैपड्रैगन 870 के ऊपर है, 120 हर्ट्ज का E4 एमोलेड का पैनल है, बाकी सारी चीजें। प्राइसिंग इसकी आपको 27,000 से 28,000 के आसपास पॉसिबली देखने को मिलेगी। इसके अलावा पोको F4 GT ग्लोबल भी जा चुका है, ये भी इंडिया आएगा, स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 के ऊपर आता है, एंड इसमें भी 120 हर्ट्ज का आपको मिल जाता है सारी चीजें डिस्प्ले उस्प्ले। तो मतलब ये दोनों स्मार्टफोन आपको पोको की तरफ से देखने को मिल सकते हैं जून में। 2 और पोको के स्मार्टफोन जून में तो नहीं आएंगे, आएंगे जुलाई में, लेकिन जून एंड होते होते आपको बहुत कुछ इनके बारे में सुनने को मिल जाएगा, जो कि चाइना में रेडमी के अंडर जाने वाले हैं। रेडमी नोट 11T और नोट 11T प्रो, डायमेंसिटी 8100 के ऊपर है, एंड ये एक है डायमेंसिटी 810 के ऊपर। ये दोनों आपको इंडिया में देखने को मिलेंगे पोको X4 और पोको X4 GT के नाम से, जुलाई में आएगा, लेकिन जून में आपको बहुत कुछ स्क्रीन के बारे में सुनने को मिल जाएगा। मतलब पोको के 4 स्मार्टफोन अगले 2 महीने में पॉसिबली लॉन्च हो सकते हैं। लेट्स सी, वेट करते हैं क्या पता चलता है, क्या चीजें आती हैं, सबके बारे में बता दूंगा जैसे इन्फॉर्मेशन मिलेगा आपको। इसके बाद चलते हैं बीबीके की तरफ। बीबीके में सबसे पहले ओप्पो और रियलमी की बात करेंगे हम। ओप्पो के बारे में अभी तक कोई स्मार्टफोन ऐसा नहीं आ रहा है जो अगले महीने लॉन्च हो। रियलमी की तरफ से रियलमी GT नियो 3T जो है ये आपको देखने को मिलेगा, और ये रीब्रांडिंग एग्जैक्ट होगा रियलमी GT नियो 2 का, एंड वही 80 वाट का चार्जर खाली डिफरेंस रहेगा और कुछ भी नहीं रहेगा। इसके ऊपर पूरा वीडियो मैंने बना हुआ है, जाके देखिए। ये आने वाला है कहा जा रहा है जून में, एंड प्राइसिंग इसकी आपको करीब करीब 25,000 से 30,000 के बीच में देखने को मिलेगी। ये स्मार्टफोन आपको रियलमी की तरफ से अकेला देखने को मिलेगा, ओप्पो की तरफ से कोई स्मार्टफोन नहीं है। इसके बाद बात करते हैं वीवो और आईक्यू की। तो आईक्यू का स्मार्टफोन आपको मालूम है आईक्यू न्यू 6 लॉन्च हो रहा है 31 को, उसका पहला सेल जो होगा वो जून में आपको देखने को मिलेगा, तो उसकी प्राइसिंग के जरिए 28,000 से 30,000 के आसपास होगी। स्नैपड्रैगन 870 के ऊपर आएगा, वही 120 हर्ट्ज का एमोलेड का पैनल, एंड देन सारी चीजें। प्राइसिंग जैसे मैंने कहा 28,000 से 30,000 के बीच में होगा। 31 मई को तो इसका लॉन्च है, लेकिन पहला सेल इसका आएगा, आपको देखने को मिलेगा जून के मंथ में। इसके बाद आईक्यू का और कोई स्मार्टफोन फिलहाल न्यूज में नहीं है, लेकिन हाँ वीवो की तरफ से ये जो आईक्यू नियो 6 है इसका रीब्रांडिंग वीवो की तरफ से चाइना में गया है वीवो S15 और एक S15 प्रो भी है, जो कि आपको डायमेंसिटी 8100 के ऊपर मिलता है। ये दोनों भी कहे जा रहे हैं जून एंड तक इंडिया में लॉन्च हो जाएंगे वीवो की तरफ से। वीवो S15 और S15 प्रो दोनों आपको सुपर एमोलेड के पैनल के ऊपर आते हैं, दोनों में स्नैपड्रैगन 870 और जैसे मैंने कहा डायमेंसिटी 8100 दोनों आते हैं, तो बाकी सारी चीजें मिल जाती हैं। अच्छा खासा स्मार्टफोन है, प्राइसिंग आपको वही 30,000 के आसपास S15 आएगा, एंड 35,000 के आसपास S15 प्रो रहेगा, 35,000 से 40,000 तक।
ये दोनों भी आपको जून के मंथ में एंड ऑफ जून तक देखने को इंडिया में मिल सकते हैं दोस्तों। ये तो हो गया आईको रिव्यू की तरफ से। लास्ट बात है बीबीके की तरफ से OnePlus, OnePlus के दो स्मार्टफोन, एक Nord 2T जिसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ गए, देखा होगा आपने, ये आने वाला है। ये OnePlus Nord 2 जो है उसी को लाने वाले हैं, लेकिन Dimensity 1200 के बदले 1300 आएगा इसमें, और एक दो माइनर चेंजेस रहेंगे, ज्यादा कुछ डिफरेंस देखने को नहीं मिला। इसके ऊपर पूरा वीडियो मैंने बनाया हुआ है, कहा जा रहा है ये मिड जून तक आपको देखने को मिलेगा इंडिया में। वैसे BIS से लेके बाकी सारी जगहों पे लिस्ट हो गया है, जल्दी लॉन्च होने वाला है इंडिया में। चलिए प्राइसिंग की बात करोगे तो इसकी प्राइस आपको 28,000 से 30,000 के बीच में होगी। दूसरा स्मार्टफोन चाइना में लॉन्च हुआ है, OnePlus Ace Racing Edition, मालूम है ना, वही OnePlus Ace जो है उसका टोन डाउन वर्जन है। अब OnePlus Ace जो है वो इंडिया में OnePlus 10R के नाम से आया था, लेकिन ये जो OnePlus Ace Racing Edition है ये इंडिया में आएगा OnePlus 10 Lite के नाम से, कहा जा रहा है। इसमें भी Dimensity 8100, प्राइसिंग आपको 30,000 से 35,000 के बीच में होगी इसकी। ये जो है OnePlus के ऑफिशियल जो इंडिया का वेबसाइट है ना उसके ऊपर लिस्ट हुआ है, जिससे पता चलता है कि जल्दी आने वाला है और ये आएगा इंडिया में, पॉसिबली एंड ऑफ जून या अर्ली जुलाई में आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन ये स्मार्टफोन भी इंडिया आने वाला है, ज्यादा चांसेस है कि आपको एंड ऑफ जून में देखने को मिल जाए। अब बात करते हैं Infinix और Tecno की। Tecno की तरफ से कोई खास स्मार्टफोन दिख नहीं रहा है, वैसे उन्होंने Phantom X लॉन्च कर दिया है, डिसेंट लगा मुझे अपनी प्राइस के साथ जो चीजें दे रहे हैं। लेकिन Infinix Note 12 सीरीज के दो स्मार्टफोन लॉन्च हुए, Note 12 और Note 12 Turbo। लेकिन अगर आपने टीजर देखा हो तो उसमें तीन स्मार्टफोन दिखे थे, याद है ना, तो एक पीछे VIP वाला जो ग्लोबली गया है वो इंडिया अभी तक आया नहीं है। कहा जा रहा है जून में लॉन्च होगा। इसमें 120 हर्ट्ज का आपको डिस्प्ले मिलता है एमोलेड का, देन इसके साथ साथ G96 का चिपसेट है, 120 वैट का फास्ट चार्जर है, 108 मेगापिक्सल का कैमरा है, किलर चीजें हैं। कहा जा रहा है 20,000 की प्राइस पे ये इंडिया में लॉन्च होगा जून में। लेट्स सी, वेट कर लेते हैं। Infinix Note 12 VIP ये आना भी बाकी है, जो कि कहा जा रहा है जून में लॉन्च होगा दोस्तों। मोटो की बात कर लेते हैं। मोटो G82 ग्लोबल जा चुका है, 26,000 के आसपास इसकी प्राइस है, 25,000 से 26,000 के आसपास। इंडिया में 30% माइनस करते हो तो ये करीब करीब 17,500-18,000 के आसपास आ जाएगा। G71 जो है ना उसी को थोड़ा सा इम्प्रूव वर्जन है, इसमें रिफ्रेश रेट नहीं था, इसमें आपको हाइयर रिफ्रेश रेट मिलेगा, उसमें OIS नहीं था, इसमें कैमरा में OIS मिलेगा एंड बहुत सारी चीजें। तो ये स्मार्टफोन वही 695 SD के ऊपर आने वाला है, प्राइसिंग कहा जा रहा है 18,000 से 20,000 के बीच में होगा। ये भी आपको जून में देखने को मिलेगा, BIS से लेके बहुत सारी जगह पे लिस्ट हो चुका है, जून में आपको ये देखने को मिल जाएगा मोटो की तरफ से इंडिया में, G82 5G। लास्ट बट नॉट द लीस्ट माइक्रोमैक्स एंड लावा, इनकी तरफ से कोई स्मार्ट, लावा का एक बहुत थोड़ा पता चला था कोई स्मार्टफोन 5G के लिए आने वाला था सुपर एमोलेड पैनल के साथ, बट उसके बाद कुछ न्यूज आया नहीं, अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है क्या लेके आने वाले क्या नहीं लेके आने वाले। जैसे और भी इन्फॉर्मेशन पता चलेंगे इनके बारे में बता दूंगा, इनकी तरफ से चांसेस बहुत कम लग रहे हैं और किसी ब्रांड की तरफ से इन्फॉर्मेशन फिलहाल के टाइम पे तो नहीं है। गूगल पिक्सल 6 की बात करोगे तो जुलाई में आएगा, 40,000 के आसपास की प्राइस रहेगी, लेकिन ये जुलाई में आएगा। चलिए ये सारे स्मार्टफोन आने वाले हैं, कौन से वाले का आप वेट करोगे जरूर बता देना, कैसा लगा वीडियो भी बता देना, पसंद आया मुझे शेयर कर देना, नहीं पसंद डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना क्या पसंद है। और भी बहुत सारे वीडियोज़ भी चेक कर सकते हो और मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो, साइड में देखो वैक्टर में जिसको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और वीडियो जाके जरूर देखना सुबह क्वेश्चन आंसर वाला, देखा है कि नहीं, और उसमें पोल भी दिया है, वो भी पोल भी करके बता देना। चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया के साथ, तब तक के लिए दोस्तों।